वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार ने 2014-15 से भारतीय हस्तशिल्प क्षेत्र को कम पूंजी लागत से ज्यादा रोजगार पैदा करने और अर्ध शहरी से ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच करने वाला सर्वाधिक प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया है। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा नए हस्तशिल्प मेगा क्लस्टर मिशन HMCM के तहत बरेली, लखनऊ, कच्छ और जम्मू एवं कश्मीर के लिए प्रत्येक को 28.50 करोड़ परियोजना लागत के तौर पर स्वीकृत किए गए। सिर्फ ये ही नहीं, झारखंड, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वाराणसी, बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना में हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहन और विकास हेतु हस्तशिल्प परियोजनाओं के एकीकृत विकास एवं प्रोत्साहन परियोजना के तहत विशेष प्रोजेक्ट परियोजना लागत के रूप में 220.69 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। हस्तशिल्प कारीगरों को पहचान कार्यक्रम के तहत उनका रजिस्ट्रेशन करके उन्हें पहचान पत्र देने की पहल की गई। 7 अक्टूबर 2016 को उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर खलीलाबाद में इस कार्यक्रम का प्रारंभ श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा किया गया। 18 लाख शिल्पकारों से आवेदन प्राप्त हो चुके हैं तथा 25 अप्रैल 2017 तक 7,50,000 पहचान कार्ड छापे जा चुके हैं। हस्तशिल्प को पर्यटन से जोड़ते हुए उड़ीसा में पुरी के रघुराजपुर के लिए 10 करोड़ और तिरुपति के शिल्प ग्राम के विकास हेतु 9,55,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। माननीय वस्त्र मंत्री के दस्तकारी वस्त्रों को फैशन के साथ जोड़ने के दृष्टिकोण के तहत निफ्ट के माध्यम से 2016-17 सत्र के लिए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के पाठ्यक्रम को संशोधित किया गया है। इसके लिए 22.35 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। भारतीय हस्तशिल्प क्षेत्र को मजबूत करने के लिए चरणबद्ध तरीके से कदम उठाए गए हैं। अनुसूचित जाति के विकास के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम अन्य पिछड़ा वर्ग कारीगरों को नई संभावनाएं प्रदान करेगा। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से अधिकारियों तथा कारीगरों की सीधी पहुंच, बेहतर उपकरण, तकनीक, GI पहल, handmadebazaar.com, डिजाइन, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, गुरु शिष्य परंपरा द्वारा विशेष सशक्तिकरण महत्वपूर्ण पहल है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इग्नू तथा NID के साथ MOU साइन किया गया है ताकि अनुसूचित जाति के कारीगरों को भारतीय हस्तशिल्प क्षेत्र में लाया जा सके और 75% फीस पर वस्त्र मंत्रालय द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। कारपेट बुनकरों के बच्चों को तकनीकी कौशल प्रशिक्षण देने के लिए पुश्तैनी हुनर विकास योजना के लिए 80 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। 70 लाख कारीगरों के सशक्तिकरण के साथ भारतीय हस्तशिल्प के विकास का नया युग प्रारंभ हुआ है।